भाइयों मैं हूँ अनिम कुमार, आप सब कैसे हैं? आई होप सब बड़े होंगे। भाई आज अपने साथ खड़ी हुई है हुंडई वर्ना, नाम ही पुराना है, बाकी पूरी की पूरी गाड़ी भाई आज अपने सामने एक नई खड़ी हुई है। अगर इसकी बात करता हूँ ना, अपने चैनल पे यार आने में तो बहुत देर हो गई, क्योंकि भाई अपने यहाँ चैनल पे क्या यार, नए यूट्यूबर्स हैं, कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाती हैं। आज जैसे तैसे करके भाई आप लोगों के लिए लेके आए हैं हुंडई वर्ना। भाई बस नाम ही पुराना रह गया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरी की पूरे लुक्स चेंज कर दिए गए हैं और हर तरफ से कार बिल्कुल चेंज कर दी गई है, प्रीमियम नेस भर दी गई है कार में। भाई अगर सामने से बात करते हैं ना, पूरी कार में आप देखेंगे क्रोम आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, हर जगह साल्टा सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलेगी। और एक तरह से आप देखेंगे ना, आपको जो हल्का सा लुक देखने के लिए मिलेगा, ट्यूसोन जैसी फिनिश, हल्का सा आपको i20 वाला, जो नई i20 आ रही है ना, शार्पनेस यहाँ पर ORVMs पर, वो भी इसमें देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर फ्रंट से इसकी बात करते हैं तो इसकी विड्थ हमें देखने के लिए मिल जाती है पुरानी वाली वरना से थोड़ी ज़्यादा। पुरानी वाली वरना की जो हमें विड्थ मिलती थी 1729 mm, वहीं इसकी विड्थ हमें 1765 mm देखने के लिए मिलती है। और जो कनेक्टिंग DRL, भाई DRL क्या, पूरी की पूरी DRL ही है, पूरी चलती है ये भाई, कहीं से कहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी सी DRL, पूरा DRL लीजिए भर भर के बिल्कुल। और नीचे आप देखेंगे तो पूरा LED सेटअप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कंपनी हमें कोई भी फॉग लैंप ऑफर नहीं करती है। बाकी आप ध्यान से देखेंगे, ये अपने सामने जो खड़ा हुआ है, ये टॉप एंड वेरिएंट XX ऑप्शनल इसका खड़ा हुआ है, तो हमें इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें इस तरह से कुछ इसकी ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पर ग्रिल भी देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर हुंडई का लोगो इस तरह से, ये भी साल्टा सिल्वर फिनिश, मैंने बताया ना इसमें क्रोम आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह आपको इस तरह से हुंडई का लोगो देखने के लिए मिलेगा। अब कुल मिला के कुछ इस तरह से फ्रंट का बहुत बढ़िया लुक हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर भाई इस कार की साइड से बात करते हैं, फिलहाल तो लुक्स आप देखिए, मतलब एकदम एग्रेसिव, मतलब पसंद आ जाए जो कार एक कहते हैं ना, वो दिल आने वाली वो चीज़ है। वहीं अगर साइड से इसकी लेंथ की बात करूँ ना, बहुत लंबी भाई, जेन्युइनली बहुत लंबी कार है, 4535 mm की हमें इसमें लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। वहीं आप देखेंगे ना, मैंने कहा ना क्रोम कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहीं आप देखेंगे ये भी लोअर गार्निश हमें साल्टा सिल्वर फिनिश में, डोर हैंडल सब कुछ साल्टा सिल्वर फिनिश, जो मैं कहता हूँ ना, जो प्रीमियमनेस आती है वो भाई आती ही साल्टा सिल्वर फिनिश से है, क्रोम से कभी भी प्रीमियमनेस नहीं, हमेशा साल्टा सिल्वर फिनिश आपको देते हैं। वहीं अगर मैं इसके टायर की बात करता हूँ तो टायर्स की अगर देखते हैं तो 205/55 R16 के हमें टायर देखने के लिए मिल जाते हैं विद अलॉय व्हील। और एक चीज और बढ़िया भाई, इसमें ऑल फोर हमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। और देखिए भाई अंदर का कैलिवर रेड किया हुआ है, मतलब स्पोर्टी फील भी आपको देने वाली है ये कार, बहुत तगड़ा भाई, कहीं से कहीं कोई कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगी ये कार। भाई अगर मैं इसके ORVM की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल तो है ही है, ये बताना इसकी भाई शान के खिलाफ है, लेकिन ये आप जब लॉक अनलॉक करेंगे ना तो आपको रिले बाहर से नहीं लगानी है, लॉक अनलॉक पर भी ये फोल्ड हो जाएगी। भाई इतनी लंबी चौड़ी कार है, तो अगर मैं इसके स्पेस की बात करूँ तो लेग रूम, हेड रूम, इन सब में भी कहीं कोई कमी नहीं होनी, स्पेस बहुत है। इसके व्हील बेस की बात करता हूँ तो भाई 3670 mm का व्हील बेस, और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस भाई सेडान में वैसे भी कम मिलता है हमें ग्राउंड क्लियरेंस, और जो ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं ना वो भी लोएस्ट पार्ट से देखते हैं, तो इसका जो हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का, हमें इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर भाई इसमें फ्यूल टैंक की बात करता हूँ, कोई भी डीजल ऑप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, केवल पेट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, और पेट्रोल की कैपेसिटी हमें 45 लीटर की देखने के लिए मिल जाती है इसमें। तो कुछ इस तरह से था भाई इसका फ्यूल टैंक। भाई अगर रियर साइड में आते हैं तो भाई रियर के इसके अलग ही चल रहे हैं, मैं आपको इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, आप इसके व्यूज एंजॉय करिए और मैं बताता हूँ आपको, स्पेस इतना है नहीं। अगर रियर में आप देखेंगे तो कंप्लीट LED सेटअप विद डिफ्यूज लाइट हमें देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल कनेक्टिंग LED ये हमारी लास्ट तक जलती है। बाकी आप देख पाएंगे यहाँ पर लाइट के साथ ही हमें यहाँ पर वरना की वेजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 1.5 लीटर का टर्बो इंजन इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आप देख पाएंगे तो उसमें हमें 4 point रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं इसमें रियर में और बात करता हूँ तो आप देख पाएंगे सेंट्रल माउंट स्टॉप लैंप हमें यहाँ पर, रियर डिफॉगर और शॉफ फिन एंटीना हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसके बूट को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से भाई, और लिटरली आप मानेंगे नहीं ना, बहुत बड़ा बूट स्पेस है, आप सेगमेंट किंग बोल सकते हो बिल्कुल इसे भाई, 528। अगर मैं सियास की बात करता हूँ उसमें हमें 510 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और इसमें हमें 528 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर स्पेयर व्हील की बात करता हूँ तो वो भी हमें यहीं पर रखा हुआ मिल जाता है। चलिए तो कुछ इस तरह से था इसका सीन, बंद करते हैं इसे, और कुछ इस तरह से था कार का 360 व्यू, ये गेट भी ओपन है यहाँ से हम लोगों को दिख पा रहा है इस तरह से, तो कार का 360 व्यू कुछ इस तरह से था। कार के अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कार को। अगर भाई ड्राइवर साइड गेट को ओपन करते हैं तो एकदम ह्यूज बड़ा गेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं आप देखेंगे तो ऑल फोर पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सेंट्रल लॉकिंग,
और ये ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी आप देखेंगे तो बढ़िया फील एकदम हैंडल, यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर, भाई दो दो बॉटल होल्डर है, आप देख पाएंगे एक आधा लीटर का, एक पूरा 1 लीटर का यहाँ पर। बाकी ये पेपर वेपर रखने के लिए यहाँ पर हमें प्लेस मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बोस की बैजिंग, मतलब बोस के स्पीकर हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, एक स्पीकर और एक ट्विटर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर ड्राइवर साइड सीट की मैं बात करता हूँ तो भाई हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल सब छोटी सी बातें हैं, और ये सब कुछ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ऐसा नहीं हाथ से कुछ करना है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट से आप देखिए इस तरह से ये आगे बढ़ेगी, बिल्कुल सेट है। और वहीं अगर मैं इसमें बात करता हूँ भाई अंडर थाई सपोर्ट की, अपने तरीके से आप देख रहे हो अलग लेवल का अंडर थाई सपोर्ट है, स्कूप्स बहुत बढ़िया है, कम्फर्ट बहुत सही है, हेडरेस्ट दोनों हमें एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। कार में अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के एंजॉय करते हैं भाई कार के व्यू को, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना कार में आगे की तरफ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना यहाँ पर लाइटिंग टाइप का, बिल्कुल भाई इसमें एम्बियंट लाइट भी कार में हमें देखने के लिए मिल जाती है। वहीं भाई अगर मैं इसके स्टेयरिंग की बात करता हूँ तो आप देखेंगे तो बस इधर से वो जो बीच वाला तीसरा पार्ट होता है ना वो हमारा गायब है इसमें, और बढ़िया सा ये स्टेयरिंग चाहे ऐसा हो जाए चाहे वापस ऐसा आ जाए आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा, सीधा किधर से है ये। भाई अगर मैं इधर बात करता हूँ तो आप बाकी यहाँ पर देखते हैं तो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, इस साइड आप देखेंगे तो हमें वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई आप सामने देखेंगे ना तो आपको MID बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में हमें यहाँ पर MID देखने के लिए मिलती है। भाई अगर इसके स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो इसमें हमें टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं स्पीकर्स की बात करता हूँ तो भाई इसमें पता है हमें 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और 2 सबवूफर, मतलब 8 स्पीकर का सेटअप हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाता है, बिल्कुल फुल्ली लोडेड कार हमें देखने के लिए मिलती है। भाई मैंने इसकी की मंगवाई है, तब मैं आपको MID और ये स्टीरियो सब दिखाता हूँ, तब तक मैं इधर कवर अप करता हूँ। भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना IRVM हमें फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर वैनिटी मिरर हमें देखने के लिए मिल जाता है, और इस साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में भी हमें वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर इसके स्टेयरिंग पे और चीज़ों की मैं बात करूँ ना, इस सब चीज़ों से लैस कर आप देख पाएंगे तो Level 2 का ADAS हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल हमें इस कार में देखने के लिए मिल जाता है, MID देखेंगे बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलती है। भाई अगर आप इस साइड देखेंगे ना तो कंपनी हमें पुश बटन स्टार्ट यहाँ पर ऑफर करती है, यहाँ पर बिल्कुल आराम से प्रेस कीजिए आप। भाई आप अगर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हेडलाइट लेवलर हमें देखने के लिए मिलता है। भाई अगर सेंट्रल कंसोल में आता हूँ ना तो आप देख पाएंगे ये हमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले बहुत छोटी बात है, सब कुछ लेस से है बिल्कुल। और नीचे देख पाएंगे तो यहाँ पर AC के मिल जाते हैं, हमें ऑटोमेटिक AC देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो बढ़िया बात है ना, आप जो यहाँ पर देख पाएंगे भाई AC तो है लेकिन AC का टेम्परेचर कहाँ आएगा लिखा हुआ, अगर AC का टेम्परेचर आ रहा है चलिए ठीक है यहाँ पर तो आप इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, टच है क्योंकि ये यहाँ पर देखिए इस तरह से, लेकिन आपके फिर इसको कहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि, तो भाई इसको कंट्रोल करने के लिए पता है कहाँ है, ये मैंने क्लिक करा, ये देखिए पूरा का पूरा ये इंफोटेनमेंट के सिस्टम्स आ गए, और फिर इसे क्लिक करेंगे तो ये AC के कंट्रोल्स आ गए, और यही तो कुछ कारनामे करे हैं मारू हुंडई ने इस बार। भाई अगर भाई क्या रह गया था, हाँ अगर मैं सनरूफ की बात करता हूँ तो भाई कुछ इस तरह से हमें सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, सनरूफ के कंट्रोल यहाँ से इस तरह से ही हमारी सनरूफ ओपन हो जाती है, यहाँ पर बंद करते हैं सनरूफ को इस तरह से। बाकी ये अपनी केबिन लाइट्स हो गई, और LED में हमें केबिन लाइट देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर दोनों ही, ठीक है ओके डन रिपोर्ट है बिल्कुल। बाकी हाँ भाई एक चीज़ अपना याद नहीं रही थी, जो रियर डिफॉगर फ्रंट डिफॉगर हो गए, और जो यहाँ पर ये स्विचेस दिए हैं ना, इसका मतलब है भाई जो अपनी आगे की दोनों सीट्स हैं ना, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों की दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, ये अपना चार्जिंग पिन डेडिकेटेड हो गई, USB हो गया, 12 वोल्ट 120 वोल्ट का सॉकेट हो गया यहाँ पर। भाई अगर मैं इसमें गियर की बात करता हूँ तो 7 स्पीड को ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और इसके पीछे आप ध्यान से देख पाएंगे ना तो ड्राइव मोड्स ये हो गए अपने, ये पार्किंग व्यू हो गया यहाँ से इस तरह से, ये रियर कैमरा ऑन हो जाएगा इसका। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, मतलब आप देख पा रहे हो बिल्कुल फुल्ली लोडेड फीचर्स से लोडेड प्रीमियमनेस से भरी कार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। भाई यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भाई हैंड ब्रेक कहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स आपको ये पार्किंग ब्रेक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है, आर्म रेस्ट की बात करता हूँ तो ठीक है भाई, मतलब जुगाड़ वाला चीज़ है, यहाँ सामान तो रख लो पूरा क्लोज नहीं है, यहाँ से खुला रहेगा ये हमेशा। चलिए ठीक है ओके डन रिपोर्ट है ना, बिल्कुल फुल्ली लोडेड कार है, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है कार में। चलिए पीछे चलते हैं और पीछे से भी तो आनंद दिखाऊँ आपको कार में, क्या क्या आनंद हमें देखने के लिए मिलते हैं इस कार में।
अगर भाई पहले मैं पीछे चलने से पहले इसकी की बात करूं तो हमें कुछ इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है, लॉक अनलॉक और ये अपना होल्ड करके जो इंजन स्टार्ट वाला होता है ये यहाँ से होल्ड करके रखेंगे तो बूट ओपन हो जाता है। दोनों ही की हमें इसी तरह की देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर। चलिए तो आप पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे से दिखाता हूँ कार को मैं। भाई कार के अगर रियर साइड में चलते हैं तो आप रियर साइड गेट को देखेंगे, बिल्कुल एकदम टिल्टेड ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर टेक्सचर की फॉर्म हमें देखने के लिए मिल जाती है, साल्टा सिल्वर फिनिश में हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, पावर विंडो के स्विचेस, बोस का स्पीकर और यहाँ पर एक बॉटल होल्डर हमें देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर कार के अंदर मैं देखता हूँ तो आप सबसे पहले अंडर थाई सपोर्ट, भाई अपने तरीके से हमेशा की तरह बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट है। पीछे देखेंगे तो दोनों ही एडजस्ट हमें यहाँ पर फिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें आर्म रेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी रियर साइड एसी बेंड्स अपने ये हो गए, फोन मोन रखने के लिए प्लेस हो गया और दो सी टाइप चार्जिंग सॉकेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर भाई देख रहे हैं सनरूफ होने के बावजूद भी केबिन लैंप आपको बीच में ही दी जा रही है, यही तो कमाल है भाई कंपनीज के। बाकी अगर लेग रूम की बात करता हूँ तो देखेंगे एक बढ़िया लेग रूम हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए तो कुछ इस तरह से था कार का इंटीरियर, बाहर चल के इसके सेफ्टी फीचर्स और रुपए की बात करते हैं। अगर भाई मैं इसमें सेफ्टी की बात करता हूँ ना तो इसमें हमें 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई अगर सेफ्टी में और बात करता हूँ तो भाई सारी चीज़ें मतलब लेन डिपार्चर वार्निंग हो गई, इमरजेंसी ब्रेक लाइट हो गई, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग हो गई, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, हाईवे असिस्ट, मतलब हर चीज़ हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ना इसकी ब्रेकिंग की तो आप ब्रेकिंग में इसमें देख पाएंगे ABS ब्रेक, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, सब कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसमें मैं इंजन की बात करता हूँ ना तो इसमें हमें 1500 cc का 1.5 लीटर का इंजन देखने के लिए मिल जाता है। ये अपने सामने SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरियंट खड़ा हुआ है जो कि 7 स्पीड के ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। ये हमें 158 BHP की पावर और 253 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। भाई अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूँ ना, ये अपने सामने खड़ा हुआ है SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरियंट, 84,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं अगर ऑन रोड की बात करता हूँ तो इस समय हम बरेली के AKC हुंडई शोरूम जहाँ पर ये हमें 19,84,000 रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है। तो कुछ इस तरह से थी अपनी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।